तो दोस्तों अभी सबको दाना पानी दे दिया था, आपने देखा ही होगा कल की वीडियो में। और क्या कहते हैं इसको, अपने असील मुर्गे को खोला था ये ब्लैक वाले को, ये दाना खा रहा था, ये दाना खाते खाते वहाँ गया और मुर्गी ने इतना खतरनाक एक बच्चे को मारा है कि उसका पूरा सर फट चुका है। अब उसको निकाल के देखना है और अभी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। भाई ने अभी छोटे भाई को कॉल करिए, मुझसे बड़े वाले को, और ये अभी कज़न को कॉल करिए, उनको बुला रहे हैं कि अगर आके वो निकाल सकते हैं इसमें से बच्चे को तो निकाल लें, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहुत बुरा हाल हुआ है बच्चे का, मैंने देखा बच्चे यहाँ बैठा हुआ थोड़ा पड़ा था बेचारा, इतनी जाली मुर्गी है। और अभी तो मैंने ये फैसला कर लिया भाई से पूछे बगैर ही कि अब इसके बच्चे अलग करने हैं, ये तो बच्चे मार देगी। मेरा वाइट कलर का बच्चा जो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसने वही मुर्गा मार दिया। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, छोटे भाई को भी डर लग रहा है। तो जो हमारा एक और भाई है उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया, वो अपने वर्कशॉप में था, वो यहाँ से आ रहा है बस 5 मिनट में, वो आके खोल के देखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसकी थोड़ी सी हिम्मत है, वो निकाल के देखेगा कि चूजे की कैसी कंडीशन है। अभी चूजा घुस गया मुर्गी के नीचे, अभी उसको निकालते भी डर लग रहा है, पता नहीं अल्लाह करे जिंदा हो बच्चा सही हो जाए तो उसके फौरन ट्रीटमेंट करेंगे। बस आप दुआ करिएगा कि बच्चा सही हो जाए यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। अच्छा खासा सेटअप बंद किया था बिल्कुल, और सबको दाना वगैरह खिला के सबसे चूजों को बंद किया, बस वो एकदम से मुर्गा खुला और यहाँ पर आया, मुर्गी ने उसको मारने के चक्कर में अपने बच्चे को मार दिया। तो दोस्तों ये देखिए ये वाला बच्चा है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके उस साइड के पूरे बाल उतरे हुए हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी यही करेंगे ये बच जाएगा, ऐसे कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह, इसके बाल ही उखड़े हैं। लेकिन जिस हिसाब से तड़प रहा था ना, मैं तो समझा ये मर गया है, बस ये अल्लाह का शुक्र है अभी तो उठ गया है। और इसको देखना है जल्दी से भाई आ जाए तो फिर इसको बाहर निकाल के देखते हैं, इसके बाल ही उतरे हैं और उसी में से हल्का हल्का से खून निकल रहा है, वो आपको दिखा नहीं सकती, क्लियर खून ज़्यादा निकल रहा है। और भाई भी आ गया मेरे ख्याल से, तो दोस्तों ये भाई आ चुका है, ये निकालेगा उस चूजे को, वो देखो जो कोने में वो बैठा हुआ है ना उसके लगी हुई है, देख शेरू अचानक काटेगा है, शेरू से उधर कोने में हाथ करके हाथ डालियो, उस बच्चे को बाहर निकाल ले, ये चेक करेगा दोस्तों इसके बच्चे कहाँ लगी हुई है, खून तो निकल रहा है इसके। दोस्तों उस चूजे की ट्रीटमेंट चल रही है अभी, ये बेचारा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ हुआ, ये देखें ये हमारे डॉक्टर साहब को भी थोड़ी सर्दी लग रही है, टोपा लगाए हुए, उसकी जलन हो रही होगी ना बेचारे के बहुत। पतली पतली रुई लियो खुरम। दोस्तों जख्म इतना गहरा है कि हम आपको वीडियो में दिखा नहीं सकते क्लियर, और उसके भाई ने कह रहा है ड्रेसिंग वगैरह कर रहा है उसकी, अब उसके वैसे तो पट्टी नहीं बांध सकते, रुई रख के पायोडिन वगैरह डाली उस पर और पॉलीफ्लेक्स वगैरह इंशाल्लाह कल लगाएंगे। अभी बस आप दुआ करिएगा कि हमारा बच्चा जो है ये बिल्कुल सर्वाइव कर जाए, उसको जो दर्द और तकलीफ हो रही है ये सब बेचारा बर्दाश्त कर ले, क्या करें हम तो खुद बहुत ज़्यादा अफसोस में। और अभी बिल्कुल फाइनल फैसला कर लिया भाई ने भी मैंने भी, बगैर सोचे समझे कि बस मुर्गी से बच्चे अलग करते हैं, चाहे मुर्गी मरे चाहे कुछ भी हो, कम से कम इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि हमारा बच्चा साथ यहाँ पर घूम रहा है, उसको उठाया मुर्गा साथ ये वाला गया था आगे ब्लैक वाला, उसके चक्कर में उसने बच्चे को उठाया और बच्चे को इतना बुरा मारा कि उसकी पूरी यहाँ से खाल उतर गई, जो हम वीडियो में क्लियर नहीं दिखा सकते, इंशाल्लाह कुछ टाइम में जब बच्चा सेट हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ की पूरी, दोनों तरफ की पूरी खाल उतरी हुई, बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हो रहा है देख के, और उसके जितना दर्द हो रहा है उतने दर्द हम सबके भी हो रहा है, ये बेचारे दोनों भाई भी लगे हुए हैं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है ऐसे, मैं थोड़ा दूर हूँ, ये है कि ये लोग देखें वीडियो में बस हल्का हल्का देख रहा हूँ, पूरा उसका राउंड में इस तरह उसके मारा कि इधर भी पूरा जख्मी हुआ हो उधर भी जख्मी हुआ हो। अभी इसको रखेगा कैसा, अभी बेहतर है, उतार दी हल्की हल्की चिपका, तो दोस्तों उसने रुई उतार दी थी अपनी गर्दन इस तरह हिला के, वो भाई वापस उसकी रुई चिपका रहा जो रुई उतर गई थी। तो दोस्तों ये देखें वो भाई आ चुका मेरा एक और, वो आया था वर्कशॉप से तो वहाँ थोड़ा सा काम था, तो वो वहाँ वापसी चले गए, इसे ट्रीटमेंट करके दवाई वगैरह इसके लगा के मेडिसिन वगैरह इसको देके, और बाकी आप दुआ करिएगा कि हमारे चूजा बिल्कुल सही हो जाए, इसको देख देख के बेचारे को अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना कि हम बता नहीं सकते, और बस उसको देख के अफसोस हो रहा है, उसको देख के गुस्सा आ रहा है। तो अभी मैं भी यहाँ से नीचे जा रहा हूँ यार, मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है यहाँ पर, ये बेचारा यहाँ पर रुकेगा थोड़ा बहुत इनका ख्याल रखेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग घूम गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम सब आए हुए हैं मैच खेलने, और औरंगी मैच जीत चुके हैं, टॉस जीत चुकी है सॉरी, ये देखें हमारे जो सब कैप्टन खड़े हैं, ये फेलगन यूनाइटेड के कैप्टन शाहनवाज भाई, और ये सारी हमारी टीम, ये सब लड़के, और इंशाल्लाह अब बैटिंग पे जा रहे हैं, आप दुआ करिएगा कि हम अच्छी की बैटिंग खेलें, बाकी जो आपको बताते रहेंगे। अरबाज साहब, ये हमारे रोज भाई, आदत भाई मैनेजमेंट के, और ये हमारे समीर भाई जो फेलकन यूनाइटेड के साथ खेल रहे हैं, ये हमारे औरंगी किंग के कीपर सादत, और ये
अहमद हमारे, ये भी अल्लाह भरोसे पे आ रहे, ये हमारे कैप्टन आ गए। ये देखे हमारे जो अगले बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए आए वजह सिद्दीकी के साथ, बहुत ही उम्दा खेलते हैं, एक बॉल पे कभी कभार दो छक्के भी मार देते हैं, मगर कोई उम्मीद इनसे, हमें तो उम्मीद लगी हुई है इनसे, हमें इनसे फुल उम्मीद लगी हुई है। और ये बैट्समैन अपनी जानी भी बल्ला चार्ज करते हुए ये गुलबर्ग टाइगर के बॉलर ने भागना शुरू किया और ये बॉलिंग कराई और ये मिस करते हुए ये एक रन मुकम्मल करते हुए नॉट आउट। ये कीपर उएस ने बहुत अच्छी कीपिंग करते हुए, मगर ये कप्तान का लेग एम्पायर का डिसीजन सुनेंगे कि आउट है या नहीं है, लेग एम्पायर क्या है, लेग एम्पायर का फैसला अटल है, लेग एम्पायर आउट है। ये उएस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, उएस ने आउट करा एक बैट्समैन को हमारे, जैन सिद्दीकी साहब लास्ट बॉल खेलेंगे और बॉलर है ना, ये मिस करते हुए एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल, वाइट बॉल पे एक रन और ये मिस हुआ, मगर नहीं 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 भागे, ये कोई बॉल नहीं, दो रन हासिल किए। ये सिर्फ हमारे बैट्समैनों का प्रेशर है, सिर्फ बहुत अच्छा खेलते हैं बल्लेबाजी पे हैं वजह सिद्दीकी साहब, अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, मुझे तो लग रहा है ये स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक देंगे उठा के। ये भागना शुरू किया, ये ओवर की आखिरी बॉल और ये वजाद भाई ने बहुत अच्छा शॉट खेला, दो रन मुकम्मल, दो रन मुकम्मल, लो और इसी में टारगेट बनाया, एम्पायर का भी फैसला आया नहीं है कि हमारा स्कोर कितना हुआ है, 73 औरंगी टीम ने 73 रन बनाते हुए गुलबर्ग को शिकस्त दे दी है, मगर अब बहुत ही अच्छे गुल 72 बनाए 73 गुलबर्ग टाइगर को चेस करने हैं। अच्छा वजाद भाई औरंगी के औरंगी टीम से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहेंगे, कोरंगी टीम के कप्तान को बुलाएंगे खुर्रम सिद्दीकी साहब हमारे सामने, तू रन बनाए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप बोलो। माशाल्लाह से हमारी टीम के सारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, अब्दुल्ला ने जिसमें मैन ऑफ द मैच जिसको मिलेगा अब्दुल्ला, ये बॉल मिली अब्दुल्ला को कप्तान को, और ये हमारे आदिल सिद्दीकी साहब मैनेजमेंट के सदर है, और माशाल्लाह आप, मुझे पता अभी आप किसको देखने के लिए इंतजार में है, हम स्पॉन्सर को भी दिखाएंगे अपने, हम अपने स्पॉन्सर को भी दिखाएंगे, ये हमारे स्पॉन्सर है केसल 5 में बरकत बिरयानी की 10 किलो की डेग बीफ। बैटिंग पे उसामा गुलबर्ग के, और ये अब्दुल्ला की पहली बॉल, और ये बहुत जबरदस्त पहली विकेट सादत भाई की, गुड कीपिंग के साथ बहुत जबरदस्त पहली सादत भाई ने विकेट हासिल की अब्दुल्ला को, जिन्होंने पिछले इनिंग में 4 छक्के मारे थे, औरंगी ने गुलबर्ग की पहली बॉल पे पहली विकेट हासिल की, राहुल भाई हल्के कदमों के साथ, और ये अब्दुल्ला आए और ये शॉट है बहुत ही जबरदस्त शॉट, और ये हमारे मैनेजमेंट शानदार कैच पकड़ा इन्होंने, एक बॉल पे दो रन, अगर एक रन भागेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, बॉलिंग पे टेस्ट मैच खुर्रम भाई हेलमेट भाई थोड़ा साइड मुझे, और ये बॉलिंग पे, और ये औरंगी किंगमैन, औरंगी जीत चुका है मैच, ये मैच हारते हारते जीत गए, बेहतरीन फाइटिंग मैच हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों आज आपको दिखाना है कि जो मुर्गी ने चूजे को मारा था, चूजा माशाल्लाह से बहुत बेहतर है, मैं तो नहीं समझा था मैं कि बचेगा ये चूजा, भाई के भी ध्यान में बात थी कि यार चूजा नहीं बच पाएगा, बहुत बुरी हालत मुर्गी ने कर दी थी ऐसी कि हम आपको वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, अभी भी वो वीडियो में दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह चल फिर रहा है, उसकी जो ट्रीटमेंट करी वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बस ये कुछ टाइम और सही हो जाए, इसकी जो खाल वगैरह उतरी भी वो पूरी खाल आ जाए। दोस्तों हुआ ये था, मैं आपको पहले ही बात बता चुका, एक दफ़ा फिर रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ये इस मुर्गे को एंड में खोला था दाना देने के लिए, सब हमने दाना पानी हो गया था सबका, सबको बंद कर दिया था, बस एक मुर्गा दे गया दाना खाने के लिए, इसको दाना खाने के लिए खोला बाहर, ये बस खुल के आके यहाँ से इस तरफ गया दाना खाने, वो मुर्गी वहाँ से आई उठ के और उछल के एकदम से चूजे को उठाया, सोच में चूजे को जैसे उठाया तो उसने झटका दिया, पूरी खाल उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आगे उसका पोटा होता है पूरी वहाँ तक की खाल उतर के बिल्कुल अलग हो गई उसकी खाल, और वो खाल का जो टुकड़ा था ना वो केज में यहाँ पड़ा हुआ था अंदर, तो वो भी भाई ने उठाया था बाद में, इतना ज़्यादा गुस्सा आया था उस वक्त कि मेरा दिमाग इतना घूम गया था, मैच खेलने भी जाना था, मैच की शॉर्ट वीडियो भी आपने देखी होगी क्योंकि भाई ने इसमें ऐड कर दी, शॉर्ट वीडियो वहाँ की बनाई थी थोड़ा मतलब इन्जॉय के लिए आपके, हमें भी बहुत मज़ा आया, और अलहमदिल्ला एक मैच जीत गए थे और एक हार गए थे, हार जीत तो ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन ये कि आपको इसीलिए बता रहा था कि मुर्गी ने किया, अब चूजे अलग करने कह रहे थे, हुआ ये जब मैच खेलने हम रात में गए तो फिर वहाँ से आके पूरी रात ग्राउंड में थे,
सुबह से क्या है ठंड की वजह से भाई की हो गई तबीयत खराब छोटे भाई की, वरना मेरा इरादा था कि चूजे यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ने का बटेरों के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास केज नहीं है। और मैं अभी आपको उसकी रो दिखाता हूँ, शायद आपको याद हो पहले एक अंडा गिर गया था बजिस का, उसने फीमेल ने बाहर फेंक दिया, उसमें बच्चा मूवमेंट कर रहा था, उसके लिए मैंने इनक्यूबेटर बनाया था। तो उस वक्त तो वो काम नहीं आया था क्योंकि अंडा हो गया था, फट गया था उसके पास, इस वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया था। अभी वो हमारे बहुत काम में आया, तो चला मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चूजे के लिए मैंने दाना ले लिया है, वो मैंने इनक्यूबेटर यहाँ रखा है जिसमें हमारा चूजा है। तो देखें उसमें पूरी नेस्टिंग करी हुई भाई ने, जो फिंचेस की होती है और हमारे लव बर्ड की होती है, ये देखें। और ये बैठा हुआ हमारा चूजा, इसने अपना नेस्ट का होल बनाया हुआ, तो अभी तो आपको क्लियर दिख रहा है इसमें बैठा हुआ, मतलब क्लियर वैसे वाजे नहीं हो रहा कि इसका ज़ख्म कहाँ है। मैं थोड़ा सा और दूर कर लेता हूँ मोबाइल, फिर मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह अभी बिल्कुल एक्टिव है, इसमें सिर्फ आपको इस वैसे दिखा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकूँगा वीडियो में जब इसको मैं बाहर खोलूँगा। तो और एक चीज़ और दिखाता हूँ उसको खोलने से पहले, इसका दाना यहाँ पर रखा हुआ, ये देखें, ये उस इस ये तो मिनी है ही, इससे मिनी ये इनक्यूबेटर था। ये कब काम में आया था, ये वो अंडा उसमें से बजी से बाहर फेंका था, तो ये देखें इसमें रुई वगैरह लगा के अंडा इसमें रखा था। एक दिन तक के बच्चा मूव करता रहा, और इसमें बल्ब कौन सा लगाया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लगा हुआ मोबाइल का चार्जर था, उस चार्जर से इसको कनेक्ट कर दिया था बल्ब को, बल्ब लगा के एक दिन तक के बच्चा इसमें करता है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त हीट हो रही थी, जितनी हीट चाहिए होती तकरीबन 28-30 टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चे की, जो इनक्यूबेटर का सिस्टम होता है उसके लिए। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, 28-30 तकरीबन टेम्परेचर चाहिए होता, तो वो इसमें प्रॉपर था। मेरे पास मीटर नहीं था लेकिन एक आइडिया था, टेम्परेचर प्रॉपर था क्योंकि बच्चा उसमें मूव कर रहा था, बच्चा था काफ़ी छोटा, शायद मेरे ख्याल में 12-13 दिन का, उसमें मूवमेंट हो रही थी। लेकिन वो एक्सपायर इस वजह से हुआ बच्चा क्योंकि अंडा ऊपर से क्रैक हो गया था, पूरा जो अंडे का शेल होता है वो शायद क्या कहता हूँ उसको, वो पूरा फट गया था। मिनी केज को खोलते हैं और अपना चूजा निकालते हैं, आपको भी क्लियर नहीं दिखा सकूँगा फिर एक दफ़ा माजर। तो ये केज चलता फिर आप इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, और आप इसके लिए दुआ लाजमी करिएगा। मेरी मुन्नी ने, पूरे घर वालों ने यार बहुत ज़्यादा दुआ करी इसके लिए, बच्चे के लिए कि सही हो जाए, खासतौर पर मेरी मुन्नी ने बहुत ज़्यादा दुआ करी। मैंने तो उसको नहीं देखा था, अम्मी और बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा दुआ करी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं चूज़ा सही हो जाए, अल्लाह पाक चूज़ा सही हो जाए, तो इस तरह वो बच्ची बेचारी बोली थी। तो ये कि अल्लाह पाक ने करम किया और वाकई चूज़ा हमारा सही हो गया, उम्मीद नहीं थी जिस तरह की कंडीशन थी, क्योंकि हमने तो उसको फेस टू फेस देखा है ना हुआ क्या था। बाकी आपको बताने में थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि यार ये झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है, लेकिन ये हमने तो सारा सीन अपनी आंखों के सामने देखा है। इसी तरह इसने बटेर का भी हाल किया था, इसी तरह इसने अपने खुद के बच्चे का हाल किया। चलाए पहले खोलता हूँ अपने चूजे को, उसको दाना वगैरह खिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर खाएगा तो मेरे शायद इसमें खाएगा को, क्योंकि इसको हम रख रहे हैं नीचे। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर लेके आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना ये अपना केज, मिनी केज, ये देखें इसका चार्जर है और ये बल्ब लगाया हुआ है भाई ने। तो इस बल्ब से इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हीट हो जाती है, छोटा सा बल्ब शायद आपको लग रहा हो लेकिन इतना छोटा है नहीं और अच्छी हीट देता है इसमें। तो मैं चूज़ा अंदर घुसा हुआ, इसको पकड़ के बाहर निकालता हूँ पहले। तो दोस्तों माशाल्लाह से देखें चूज़ा बाहर आ गया है, और अभी शायद इसको छत पर ठंड लग रही हो, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ब्लर करा हुआ होगा, लेकिन ये कि दाना वगैरह खा रहा है और माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। दुआ करिएगा ये सर्वाइव कर जाए, इसने बहुत बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, इतनी बड़ी तकलीफ़ के इंसानों के अल्लाह ना करे अगर हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इसने बहुत इसको हिम्मत दी अल्लाह पाक ने, इसने बर्दाश्त करी तकलीफ़, और बाकी आगे की भी जो इसकी तकलीफ़ है वो सब खत्म हो जाए, बर्दाश्त कर ले और ये बच्चा बिल्कुल जल्दी से बड़ा हो जाए, सही हो जाए। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से दाना खा रहा है, तो दोस्तों माशाल्लाह से दाना खा ही रहे हैं। मैं सोचा था रोमियो डायमंड को खोलने का, तो इतने में भाई आ चुका है, ये देखें इसकी तबीयत सही नहीं है लेकिन फिर भी आ गया छत पे। और वीडियो का इसको असल में वही टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, यार वीडियो बनानी भी है, वीडियो एडिट भी करनी है, सारे काम इसी के, इस वजह से ये उठ के आ गया। मैं जब छत पर आया था सो रहा था, तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने मोबाइल उठाया और छत पर आके सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ी सी सफाई भी करी थी, आज सफाई मैंने करी थोड़ी बहुत, वैसे सारा काम ये करता, तो इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन ये उठ के छत पर आ गया डायरेक्ट। तो दोस्तों ये थी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्ड शौकीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।